खबर कानपुर से सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर क्राइम ब्रांच की वर्दी में लगा दाग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वर्दी में दाग लगने की बात सामने आई है। दरोगा आसिफ की फोटो अपराधी अंकित लाल के साथ वायरल हुई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दरोगा आसिफ की फोटो अपराधी के साथ में वायरल। दरोगा आसिफ अपराधी अंकित लाल के साथ हुक्का पीते हुए यहां पर, और ये तस्वीर वायरल हुई है। अपराधी अंकित लाल के रेस्टोरेंट में दिखे दरोगा आसिफ। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर इससे पहले क्राइम ब्रांच के सिपाही को किया गया था लाइन हाजिर, और इससे पहले भी क्राइम ब्रांच के सिपाही को लाइन हाजिर किए जाने की बात, लेकिन सिपाही राजीव यादव को लाइन हाजिर किया गया था। और अब यहां पर एक और नई तस्वीर सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एटीएम हैकर से दोस्ती के चलते किया गया था लाइन हाजिर, एटीएम हैकर से दोस्ती के चलते लाइन हाजिर किया गया था, और एक बार फिर से कानपुर क्राइम ब्रांच की वर्दी में दाग लगा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर क्राइम ब्रांच की वर्दी में दाग लगने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपराधी अंकित लाल के रेस्टोरेंट में दिखे दरोगा आसिफ। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सिपाही राजीव यादव को लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एटीएम हैकर से दोस्ती के चलते लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अमन, कानपुर क्राइम ब्रांच की वर्दी में एक और दाग, क्योंकि बताया तो ये जो है ना कि इससे पहले भी एक को यहाँ पर लाइन हाजिर किए जाने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कानपुर की क्राइम ब्रांच लगातार इस समय चर्चाओं में है। एक सिपाही राजीव यादव को अभी कुछ दिनों पहले ही डीसीपी क्राइम ने लाइन हाजिर किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विलांस का जो प्रभारी है दरोगा आसिफ, उसकी फोटो वायरल हो रही है एक हिस्ट्री टीटर के साथ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच बैठा दी है, और संभवतः ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरोगा पर आज शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अमन, कहीं ना कहीं अगर क्राइम ब्रांच की टीम की ही इस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी, तो इन अपराधियों में इस क्राइम ब्रांच की टीम का खौफ कैसे बनेगा, कैसे इन अपराधियों पर लगाम लग पाएगी? क्या इसको लेकर अब क्या जो अपर अधिकारी हैं, इनकी ओर से कुछ किया जा सकता है, क्या इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बड़ा सवाल है। लगातार जो क्राइम ब्रांच है वो चर्चाओं में है। कानपुर क्राइम ब्रांच के कई सिपाही जो है कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। फिलहाल सर्विलांस के प्रभारी की इस तरह की फोटो जो वायरल हुई है, वो भी चर्चा का विषय कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रिया अमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दरोगा आसिफ अपराधी अंकित लाल के साथ हुक्का पीते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।